हेलो गाइस, हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अभिषेक पॉल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेवल श्रेवल। दिस इज़ ऑफ कोर्स माय फर्स्ट एवर चैनल। मैं पहली बार ये व्लॉग बना रहा हूँ। आई हैव नेवर डन दिस सो फार इन माय लाइफ, लेकिन ये फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस है। देखता हूँ कैसा रहता है। और तो आज तक तो घूमे बहुत है। ये मेरा फर्स्ट एवर ट्रिप होगा जो कि मैं बाई रोड जाऊँगा। सो इसलिए और मैं चाहता था कि मैं व्लॉग बनाऊँ और इसमें अपना मेमोरीज कैप्चर करूँ। तो बस अब निकल लें और किस रूट से जाएंगे ये सब बताएंगे आपको, कहाँ रुकेंगे वो सब बताएंगे। अभी जो मेरी फर्स्ट क्राइम इन माय पार्टनर है, ये है, ये छोटी सी बच्ची आप देख पा रहे हैं जो कि पीछे एक तरफ देख रही है। क्या नाम है हेलो आपका बच्चे? गाइस, माय नेम इज राधे पॉल। आई एम ओल्ड इज राधे। आई एम 5 इयर्स ओल्ड। हेलो। ओके, नाउ द सेकंड पार्टनर इज हियर। हेलो, माय नेम इज मीरा, हिज लवली वाइफ। या शी इज माई वाइफ एंड वी हैव बिन ट्रेवलिंग लॉट। लेकिन फर्स्ट टाइम हम लोग का फर्स्ट एवर ब्लॉग रहेगा जो कि हम लोग साथ में बना रहे हैं। और रोड ट्रिप सबसे लॉन्ग ट्रिप सोच रहे हैं जाने के लिए, वो अभी भी सस्पेंस रखूंगा, मैं नहीं खोलूंगा। तो जस्ट वेट करिए, आई विल जस्ट कम बैक टू यू एंड रिवील दिस सस्पेंस। दरवाज़ा लॉक कर रही है ये, बस तैयारी हो रही है। देखिए बस वहाँ मेरी बेटी उधर जा चुकी है। अरे पॉल, ज़्यादा जल्दी में इस बार जाने के लिए कह रही, जितनी जल्दी हो सके इसका ट्रिप में स्टार्ट किया जाए। हाँ जी, ये देखिए सबसे पहले ये रेडी हो चुकी है। लिफ्ट की मैं लिफ्ट दो लगेज पास करके रहती हूँ। दो लगेज भी इनके पास बिल्कुल रेडी है निकलने के लिए। ये एक सस्पेंस था कि मैं दिखाऊंगा कि कौन सी गाड़ी मेरे पास, किससे मैं ट्रैवल करता हूँ और किस गाड़ी से हम लोग ट्रैवल ब्लॉग बनाएंगे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये रही मेरी धन्नो, ये मेरी धन्नो है जिससे के थ्रू मैं ट्रैवल आज तक करता रहा हूँ, लेकिन आज तक कभी ब्लॉग बनाया नहीं। जैसे कि मैंने बताया, ये मैं अपना पहला ब्लॉग बना रहा हूँ। मेरी बेटी ऑलरेडी बैठ चुकी है, हेलो गाइस, ये बैठ गई है। आपको थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा होगा क्योंकि गाड़ी की लाइट नहीं जल रही है। गुड़िया, गाड़ी की लाइट जलाना। ओके गाइस, बस निकल चुके हैं हम लोग। पहला आपको डेस्टिनेशन बता देता हूँ, पहले तो हम जा रहे हैं जयपुर। अभी बस पार्किंग से निकल रहे हैं अपने। निकल चुके हैं गाइस, बस ये है कि ग्रेटर नोएडा में रहता हूँ तो ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिलता है, यहाँ पे खाली खाली रहता है। तो अगर आपको ग्रेटर नोएडा से दिल्ली जाना है तो आप इजीली पहुँच सकते हो, लेकिन दिल्ली एंटर करने के बाद आपको ट्रैफिक ऑफ कोर्स वहाँ मिलेगा क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक है। हाईवे पे आए हुए आप, आपका जो हाईवे जो गुड़गांव जाता है तो जयपुर जाएगा सीधा। तो बस चल रहे हैं, बताते हैं आपको आगे क्या होता है। अभी तो बस हाईवे पे हैं, चल रही गाड़ी अपनी धन्नो चल रही है हाईवे पे। जैसा ये देखे बैठे हैं, ये महारानी बैठी है, हमारी बेटी। महारानी नहीं हूँ पापा मैं। देखो कह रही महारानी नहीं हूँ मैं डॉक्टर करो, महारानी बोलते थे। देखा आपने, कह रही महारानी नहीं, आपको डॉक्टर बोला करो। ठीक है, फिर डॉक्टर ही बोलेंगे आपको। जाम ही जाम है यार, क्या बताया जाए। अब जाके थोड़ी राहत मिली है, जैसे देखिए बाकी फूल, मुझे लग रहा है कि आगे भी थोड़ा जाम मिलेगा, ऐसा मुझे अंदेशा हो रहा है। क्यों, दिल्ली वालों को जाम के बिना कहाँ मजा आता है गाड़ी चलाने में? जाम के बिना नहीं मजा आता दिल्ली वालों को गाड़ी चलाने में। देख ओके, सो भाई लोगों, अभी पहुँच चुके हैं हम यहाँ पे आपका ओल्ड राव ढाबा पे। ये रही मेरी धन्नो। हाँ बस, बाकी वाइफ और बेटी जो है अंदर कुछ ऑर्डर करने गई है, ठंड काफ़ी है बाहर, अंदर चलते हैं देखते हैं कि ऑर्डर किया है। सो गाइस, हम लोग यहाँ पे हैं अभी, ओल्ड राव होटल ढाबा टाइप का ही है, जयपुर के रास्ते पड़ता है। यहाँ के पराठे जो है वो बहुत ही लाजवाब है भाई साहब, दो तीन बार खाया हुआ, मैंने सोचा कि एक बार और रुक लेता हूँ यहाँ पे। जब रुक लेते तो ऑर्डर करके कुछ खा ही लेते। भूख तो लगी थी, बाकी बाहर ठंड बहुत ज़्यादा है भाई साहब, जैसे कि मैंने बताया। देखिए बताओ, कितने टॉर्च थे बोलो? टू टॉर्च।
टॉयज में क्या चाहिए? तो दोस्तों हम लोग अभी नाश्ता वास्ता हो गया है, अभी ग्राउंड आए हैं हम लोग, नाश्ता किया, डिनर ही हो गया हमारा, खा पी लिया हमने, पराठा खा लिया है, चाय पी लिया है, और इसने अभी अपना झूला देख लिया है तो झूलने लग गई है, थोड़ा एंजॉय कर रहे हैं, अभी उसके बाद फिर निकलेंगे। अभी यहाँ से मेरे ख्याल से एक आधे घंटे का रास्ता बचा है जयपुर का, वो सिस्टर रहती है, सोच रहे कि आज नाइट स्टे वहीं पर करेंगे, फिर कल सुबह निकलेंगे आगे के लिए। कहाँ जाएंगे वो अभी भी आपको सस्पेंस है, वो अभी मैं नहीं बताऊँगा आपको, बट फॉर श्योर टुमारो आई लेट यू नो, कल बता देंगे आपको कि कहाँ जा रहे हैं हम, लेकिन अभी के लिए यही है कि हम अभी ओल्ड ड्राइव होटल में रुके हुए हैं, ढाबा है जो जयपुर के रास्ते में पड़ता है, और यहाँ हम लोगों ने पराठे वराठे खाए हैं, चाय वाय पिया है, अब थोड़ा सा वॉक कर ले रहा था कि थोड़ा पच जाइए, पचना भी तो ज़रूरी है भाई साहब, उसके बाद निकलेंगे, क्योंकि आज ज़्यादा सोए नहीं है तो मैंने सोचा कि सिस्टर को फ़ोन किया, रास्ते में जयपुर पड़ता है तो मैंने कहा कि वहाँ रुक जाते हैं, थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा और कल सुबह फिर लॉन्ग ड्राइव कर सकते हैं, कम से कम 10-12 घंटे गाड़ी चला लेंगे। अब आइडिया तो लगा ही रहे होगे, आइडिया तो अब लगा ही रहोगे कहाँ जा रहे हैं, लेकिन आप सोच नहीं सकते हम कहाँ जा रहे हैं। और मैं ये आपको पहले बोल सकता हूँ कि पहली बार मैं अपनी लाइफ में इतनी लंबी ड्राइव पर जा रहा हूँ, और कहाँ जा रहा हूँ वो मैं कल बता दूँगा आपको, अभी मुझे खुद नहीं पता है, क्योंकि देख सकते हो मेरे डार्क सर्कल साइज में कितना ज़्यादा है। हाँ तो अभी नींद लगी है, एक आधे घंटे का रास्ता और है, चाय पी ले तो थोड़ा रिफ्रेश हो गया है। दोस्तों हम बस पहुँच चुके हैं यहाँ पे जयपुर में, अभी रात के कितने 12:30 बज रहे शायद, तो काफ़ी थके हुए हैं वैसे भी हम लोग, ये खड़ी मेरी गाड़ी बस लगा दी पार्किंग में, सिस्टर के घर पहुँच गए, ये घर है उसका, मेरा घर, बस आज रात में ही स्टे करेंगे और फिर कल निकलते हैं, काफ़ी थके हुए हैं, सामान अबर जा चुका है ऊपर, बस अब गाड़ी लॉक करके खाना ना खाएंगे फिर सोते हैं। चलिए मिलते हैं आप सबसे कल, टुमारो, सी यू इन द मॉर्निंग, थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू जयपुर। नीचे ठंड थी तो हमने कहा चलो चाय वाय पीते हैं, ये ले मेरी चाय, और ये रहा हमारा व्यू, जो देखिए व्यू देखिए आप, ये कातिलाना व्यू है, मैं तो जब भी इधर आता हूँ यहाँ रुक जाता हूँ वहाँ के एक दो दिन, क्योंकि दिल्ली जैसे शहर में कहाँ सब मिलता है, देखिए सब लोग हैं छत पे, चाय वाय पी रहे, चाय का मज़ा ले रहे सब, मैंने कहा चलो आप लोगों को दिखाते हैं कहाँ किस व्यू का मज़ा हम भी ले रहे हैं यहाँ पे। ये जयपुर से ऑलमोस्ट 20-25 किलोमीटर पहले पड़ता है, ये 20 नहीं ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर होगा कम से कम, क्योंकि जलमहल हम लोग यहाँ से जाते हैं तो जलमहल यहाँ से है 15-20 मिनट का रास्ता है हार्डली। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, आपका दोस्त जयपुर से लाइव है इस टाइम, जयपुर में हम लोग घूम रहे हैं इस टाइम जो है यहाँ पे क्या कहते हैं जल महल में। वैसे तो हमने आपसे सुबह कहा था कि हम निकल जाएंगे, लेकिन अब क्या हुआ थोड़ा सा रुकना पड़ गया जयपुर में, एक थोड़ा सा काम था, मैंने कहा वो भी निपटा देते हैं तो चलेंगे, ठंड बहुत ज़्यादा है इसलिए हमको ये सब पहनना पड़ा है। जल महल थोड़ा सा इवनिंग वॉक करेंगे, चाय वाय पियेंगे, उसके बाद एक मार्केट है यहाँ पर राजा पार्क, वहाँ जाएंगे थोड़ा मोमोज वोमोज खाएंगे। यार ये सब क्या ले रही हो, इतना ज़्यादा खरीदारी क्यों कर रही हो, अभी पता है तुमको हम लोग आगे जाना है वैसे भी, ठीक है जो मर्जी हो देखो दिलाऊंगा नहीं, लेकिन मैं दोस्तों अभी मैं देख रखते हैं, मेरे पीछे जल महल है, क्या करें टाइम बहुत था अपने पास, शाम को चाय में पी ली थी और सोचा कि घूम लेते हैं, अभी भी आए बस वॉक कर रहे थे तो कुछ नाश्ता वास्ता करने से पहले मैंने सोचा कि थोड़ा देर का घूम लिया जाए, बाकी जलमहल तो काफ़ी बना चुका है, मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा दिया जाए एक बार। जलमहल आप देख सकते हैं आधा जो है वो पानी के नीचे है, करीब 3-4 मंजिल मान लीजिए पानी के नीचे है, वहाँ से जाता कोई नहीं है, अलाउ नहीं है जाना किसी को,
यही हम भी मजे ले रहे हैं, दुनिया ही मजे ले रही है। ठीक है, जैसे बताया था मैं राजा पाक आया था वो मोमोज खाने के लिए, तो बताना चाहूँगा कि यहाँ पे तो यहाँ के मोमोज बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और इससे पहले मैं आया था एक बार, शायद इससे पहले नहीं, फर्स्ट टाइम ही खाया, लेकिन ये मेरी सिस्टर ने खा रखा है, सिस्टर के हस्बैंड ने खा रखा, बताते बहुत फेमस है। ये वही दुकान है मोमोज। अभी हम लोग जाएंगे, बैठेंगे, खाएंगे मोमोज, थोड़ा सा मैं सोचा सूप भी पीऊँगा, सूप पीऊँगा और ये मोमोज खाएंगे, बाकी सब लोग जो है ये लोग देखते क्या ऑर्डर करते हैं। दुकान है, यहाँ पे चीजें अच्छी मिलती है।